आज की जो ये वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है, एक जनरल एक क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास कि अगर आप बिग फोर ज्वाइन करते हैं तो कितना टाइम लगता है प्रमोट होने में या कितना टाइम लगता है पार्टनर पोजीशन में पहुंचने के लिए। तो उसी क्वेश्चन को आज हम क्लियर करेंगे। तो ऐसा कुछ नया तो नहीं सीखेंगे, बट यस एक जनरिक डाउट था, सो दैट सोचा मैंने कि कुछ नया टेक, मतलब इस चीज को टेकअप करा जाए क्वेश्चन को। तो देखो यार, होता क्या है, जनरली क्या होता है, अगर आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करते हैं तो आर्टिकलशिप होती है 3 साल की। अगर आप बिग फोर से ही आर्टिकलशिप कर रहे हैं देन इन दैट केस आप सीधा सीधा सीनियर एसोसिएट लगते हैं या फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव बनते हैं, मतलब एक पोजीशन टॉप के आप मतलब टॉप जाते हैं एक पोजीशन को, और उसके बाद आप जो सेकंड पोजीशन होती है उस पोजीशन पर डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। बट अगर आप दूसरी फर्म, छोटी फर्म से आ रहे हैं, मीडियोकर फर्म से आ रहे हैं, तो देन इन दैट केस, तो या फिर टॉप 10, टॉप 20 सी फर्म से आ रहे हैं, इन दैट केस आपको एक एसोसिएट या फिर एग्जीक्यूटिव पोजीशन दी जाती है। तो 3 साल का यहां पे मेरा लैप्स हो गया, मतलब 3 साल मेरे यहां चले गए। अगर आप एसोसिएट पोजीशन पे ज्वाइन कर रहे हैं तो सीनियर एसोसिएट पहुंचने के लिए आपको 1 साल लगेगा। ये मैं आपको जो मैं आपको बता रहा हूं, एक जो भी मैं आपको इयर्स बताऊंगा, नंबर ऑफ इयर्स बताऊंगा, ये जनरल सिनेरियो, आइडियल सिनेरियो जो मेरा है उसके अंदर मैं बताऊंगा कि हाँ यार इतने एटलीस्ट इतना साल तो लगेगा ही लगेगा। अगर आप सब कुछ बढ़िया करते हो, सब कुछ ठीक रहता है, तो एटलीस्ट इतने साल तो लगेंगे ही लगेंगे आपको इस पोजीशन में पहुंचने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सीनियर एसोसिएट से एएम बनने में जनरली 1 साल लगता है आइडियल सिनेरियो के अंदर, बट अगर आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है या फिर आपकी उतने अच्छे तरीके से आप नहीं कर रहे हो परफॉर्म को, आपका सीनियर है उसको लगता है कि हाँ यार ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उन सबको चलते हुए हो सकता है कि आपका असिस्टेंट मैनेजर की जो है वो डिले हो जाए। तो ये हर पोजीशन में ही रहेगा, बट आइडियल सिनेरियो के अंदर, अच्छी सिचुएशन के अंदर, एक बढ़िया सिचुएशन के अंदर, एक आप 1 साल के अंदर आप प्रमोट हो जाते हो सीनियर एसोसिएट से एएम पोजीशन पर। देन एएम से जो मैनेजर पहुंचने के लिए आपको 3 साल लगते हैं, ठीक है। 3 साल अगर आप इन केस, अगर कुछ पॉइंट इज कि मैनेजर जो पोजीशन होती है वो काफी रिस्पॉन्सिबल वाली पोजीशन होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उस पोजीशन के अंदर, तो उसके अंदर काफी चीजें देखी जाती है प्रमोट करने से पहले। यहां पर तो क्या होता है कि जनरली अगर आप जब तक एएम बन रहे हो, जब तक असिस्टेंट मैनेजर बन रहे हो, तब तक आपका जो भी आपका मैनेजर होगा, जो भी आपका सीनियर होगा, वो डिसीजन लेगा मेजरली, उसके बेसिस पे आपका डिसीजन चलेगा। लेकिन जब आप एक मैनेजर लेवल पे पहुंचते हो, बड़े लेवल पे पहुंचते हो, तो काफी लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं उस समय पे, पार्टनर तक लेवल पे इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो उसके बाद मैनेजर बनने के बाद आपका सीनियर मैनेजर बनते हो, तो सीनियर मैनेजर की भी सेम वही, मैनेजर से सीनियर मैनेजर 3 साल एटलीस्ट लगते हैं। उसके बाद अगेन आपकी परफॉर्मेंस, वो सारी चीजें, फैक्टर जो होता है उन सब चीजों पर भी डिपेंड करता है। प्लस आप धीरे धीरे आप अपने क्लाइंट जोड़ना भी, अपने जो बिग फोर है जिसमें भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर क्लाइंट जोड़ना भी आप स्टार्ट करते हो धीरे धीरे। तो मतलब आप क्लाइंट लाना भी स्टार्ट कर देते हो मैनेजर पोजीशन के बाद। उसके बाद जब आप असिस्टेंट मैनेजर, एडी जब आप बनते हो सीनियर मैनेजर बनने के बाद, उसके बाद 3 साल लगते हैं आपको डायरेक्टर बनने में। ये मैं आपको अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आइडियल सिनेरियो में बता रहा हूं, जो 3 साल जो है वो मिनिमम है, ऐसा नहीं है मैं आपको 3 साल में बन ही जाएगा बंदा, पॉइंट इज 3 साल आपको मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे। उसके बाद जब आप डायरेक्टर बन जाओगे, उसके बाद आपको अगेन इस वक्त क्या है कि मेजरली किसी भी बिग फोर के अंदर बहुत कम पोजिशन है जो पार्टनर्स के लिए अवेलेबल है। तो अभी क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक नई पोजीशन ओपन कर दी है ईडी नाम से, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाम से, यानी कि हम आपको पार्टनर नहीं बनाएंगे, आपको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना देंगे। आप जितने भी कंपनी के अंदर, जितने भी फर्म के अंदर छोटे छोटे जो फाइनेंशियल हैं, जो छोटी छोटी जो कंपनीज हैं, उनको आप हैंडल करिए, उनको आप साइनिंग करिए, आप पार्टनर नहीं कहलाओगे, प्रॉफिट शेयरिंग में आपका पार्टनर रहेगा, लेकिन आप पार्टनर जैसी ही पोजीशन रहेगी आपकी। तो उसको ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बुलाते हैं। तो जनरली डायरेक्टर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पहुंचने में 3 से 4 साल लग जाते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं आइडियल सिनेरियो के अंदर। देन उसके बाद पार्टनर अगर लगता है कि कोई वैकेंसी ओपन है, जब भी जो भी बंदा कैपेबल है, उसको हम उसको बिग फोर पार्टनर बनाता है। लेकिन पॉइंट इज बिग पार्टनर के लिए काफी लोग लड़ाई करते हैं, क्योंकि हर कोई डायरेक्टर लेवल तक या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल तक तो पहुंच जाता है, मतलब हर कोई, कहने का मतलब यह है कि जो कैपेबल है, उस लायक है, तो वो पहुंच जाता है। लेकिन पार्टनर पोजिशन के लिए काफी चीजें देखी जाती है कि कितना क्लाइंट लेकर आ रहा है बंदा, क्या ये कैपेबल है, क्या ये बिग फोर को प्रेजेंट कर पाएगा, हमारी फर्म को प्रेजेंट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो वो सारी चीजें सिनेरियो देखा जाता है। उसकी आगे पीछे की हिस्ट्री देखी जाती है, जो भी है पर्सन, ठीक है, कोई काफी चीजें देखी जाती है, बैंक स्टेटमेंट रीड करी जाती है, उनके साथ एग्रीमेंट करे जाते हैं, बहुत सारी चीजें करी जाती है। तो पार्टनर के लिए कोई जो है वो इक्का दुग्गा पर्सन ही है जो पार्टनर के लिए एलिजिबल होकर फिर वो पार्टनर बनते हैं। क्योंकि देखो अगेन यार, पोजीशन जो है वो पार्टनर ऐसा तो नहीं है कि जितने मर्जी मैं हायर कर सकता हूं, ठीक है, तो पार्टनर लिमिटेड ही रहते हैं। तो अगेन इसी वजह से जो रहता है पार्टनर के लिए, इस वक्त जो है बिग फोर में बहुत कम लोगों को पार्टनर बनाया जा रहा है, जो जनरली बनाया जा रहा है वहां पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक ही बनाया जा रहा है। बट स्टिल यस, पार्टनर बनाए जा रहे हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि पार्टनर नहीं बनाए जा रहे हैं, बट हाँ मतलब उसके अंदर एक तो टाइम भी लगेगा, प्लस अगर वो बंदा कैपेबल है, उस लायक है,
तो उसको पार्टनर बनाया जाएगा, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ऑनेस्टली बहुत ज्यादा है पार्टनर बनने के लिए इस वक्त। तो अगर मैं आइडियल सिनेरियो के अंदर बात करूं, अगर आप बिग फोर को ज्वाइन करते हो तो 15 से 20 साल के अंदर ऑन एन एवरेज आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या पार्टनर लेवल तक आप पहुंच जाओगे, पोजिशन तक पहुंच जाओगे। उसके ये आइडियल सिनेरियो मैंने आपको बताया, मतलब 15 साल के अराउंड में अंदर अंदर आप पहुंच जाओगे। बट अगर आपकी परफॉर्मेंस जिस तरीके की है, जैसी परफॉर्मेंस आपकी, उसके ऊपर भी चीजें वेरी करती हैं। अगर परफॉर्मेंस आपकी अच्छी नहीं रहेगी तो हो सकता है वो 15 का 25 साल भी हो जाए, 30 साल भी हो जाए, यू नेवर नो। तो ये चीज है। तो एक छोटा सा बेसिक आइडिया देने की मैंने आपको कोशिश करी। आई होप आपको इस वीडियो में पसंद आई होगी आपको ये वीडियो, और आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।